नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट सेक्शंस के, जो कि आपको चूज़ करने होते हैं जब आप शिप में जॉब करने जाते हैं। आप लोग ने जो भी कॉन्टिनेंटल कुजीन में सीखा होता है उस बेसिस पे आपको शिप में जॉब मिलती है, और वहाँ पर भी कई सारे सेक्शंस आ जाते हैं जिसमें कि आपको प्लेस किया जाता है। ये नहीं कि कॉन्टिनेंटल बोल के आपको किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे। किचन को वहाँ पे गैलरी डिपार्टमेंट बोलते हैं। और दूसरा, जैसे कि हम लोग इंडिया में चूज़ करते हैं कि भाई हमें जो अपने डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद इंडियन में जाना है, कॉन्टी में जाना है, चाइनीज़ में जाना है हम लोग, या फिर बोले मैं बेकरी पेस्ट्री में जाना चाहता हूँ, पेंट्री में जाना चाहता हूँ, बूचरी में जाना चाहता हूँ, उसी प्रकार से वहाँ पे भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, पर वो सारे के सारे कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट ही होते हैं। तो आप यहाँ से भी सोच समझ के जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपने जो HOD को बोल सकते हैं कि सर मैं इस सेक्शन में काम करना चाहता हूँ, ताकि आपको पहले से ही थोड़ी सी सहूलियत हो जाए और उन चीज़ों के बारे में आप पहले से ही थोड़ा नॉलेज ले पाएँ। बाकी कहाँ पे आपको रखना है डिपेंड करता है कि उस समय उस डिपार्टमेंट में या उस सेक्शन में वो पोजीशन खाली है या नहीं खाली है, और आपका इंटरेस्ट क्या है, या कम्प्लीटली बोल सकते हैं कि आपके HOD पे ये डिपेंड करता है। क्योंकि इंडिया में तो हमें काउंटी और इंडियन में ही हम लोग मतलब कि अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाते, वहाँ तो इतने सारे दुनिया भर के सेक्शन आ जाते हैं और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं रहती है। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आपका एग्जीक्यूटिव शेफ या सू शेफ बोलेगा, आपको वहीं ही काम करना पड़ता है। तो चलिए, जो सबसे पहला सेक्शन होता है वहां पे, वो होता है हमारा एपिटाइजर। एपिटाइज़र एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कि सभी प्रकार के जो हॉट एपिटाइज़र होते हैं वो बनते हैं। अगर मान लीजिए अगर एक 3000 की कैपेसिटी का एपिटाइज़र है, तो एटलीस्ट दो एपिटाइज़र ज़रूर होंगे। तो 3000 एपिटाइज़र आपको बनाने पड़ते हैं। एपिटाइज़र में कई सारी डिशेज़ हो जाती है, प्रोविंशियल चीज़, ग्रिल्ड प्रोविंशियल चीज़ हो जाती है, ग्रिल्ड एस्पैरागस हो जाते हैं, चीज़ बॉल हो जाती हैं, आपके फ्रिटर्स हो जाते हैं, तो ढेर सारी डिशेज़ यहाँ पे हो जाती है। तो एपिटाइज़र एक सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन आता है हमारे वेजिटेबल का। इस डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा बोले तो रियली में बहुत सारा काम होता है। जिस भी सेक्शंस को वेजिटेबल चाहिए होती है, या जो बुफे में, बुफे नहीं होगा यहाँ पे, जो कि अलग कार्ट में जितनी भी वेजिटेबल लगती है ये लोग यही देते हैं। और इसको भी दो अलग डिवाइड पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होता है जब आपकी लाइन चलती है शाम के समय अलग कार्ट के, जो वेटर्स आपने देखा होगा ऐसे ट्रे उठा के लेके जाते हैं, उसके अंदर जो भी कुकिंग की वेजिटेबल होती है लोग यही लोग प्रिपेयर करते हैं, यही लोग कुक करते हैं। और उसमें जो भी एक पोटैटो की डिश होती है, जो भी प्रिपरेशन होता है, वो एक अलग से एक सेगमेंट बना दिया जाता है, एक अलग से वेजिटेबल के अंदर ही डिपार्टमेंट बना लिया जाता है, जिसको कि प्रेप डिपार्टमेंट या फिर आपको पोटैटो रूम बोलते हैं। और ये पोटैटो रूम वाला बंदा दिन भर आलू ही काटता रहता है। आलू काटते काटते ये जागता है, सोता है, इसको सपने में भी आलू ही नज़र आते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है, जब आप दिन भर रात भर आलू या सब्जियां काटेंगे तो आपको आलू और सब्जी दिखाई देगी। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप शिप में जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन या आपको रख दिया जाता है पोटैटो रूम में, तो आपको दिन भर रात भर आलू, और आलू कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले। आपकी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, 6 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने का, पर आपके आलू कभी ख़त्म नहीं होंगे। चलिए, इसके बाद जो तीसरा सेक्शन आता है वो आता है हमारा फिश का सेक्शन। इसके अंदर जो भी फिश की सारी डिशेज होती है इनके ही द्वारा प्रिपेयर की जाती है, उसमें बनने वाली सॉस भी यही लोग बनाते हैं। इसके अलावा जो फिश की कटिंग वगैरह सब कुछ यही प्रिपेयर करते हैं। ये नहीं कि कोई बूचरी वाला कोई अलग सेक्शन होगा वो आपको देगा, नहीं, यहाँ पे है सब का ध्यान रखा जाता है। बूचरी के अंदर जो काम होता है वो मीट से रिलेटेड काम होता है, यहाँ पे सारा का सारा काम फिश से रिलेटेड होता है। फिश रूम एक अलग ही रूम बना दिया जाता है, कुकिंग अलग जगह होती है, कटिंग और उसकी जो प्रिपरेशन है वो अलग जगह होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है सॉस सेक्शन। मैंने सॉस सेक्शन में लगभग चार कॉन्टैक्ट काम किया है। बहुत ज़्यादा काम होता है, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ सॉस जा रहे हैं। आप जितने सॉस बोल सकते हो वो सारे सॉस, साथ साथ जो भी आपकी ग्रेवी जैसे आइटम्स होते हैं, जैसे वील ओसोबोको हो गया, ऑक्स टेल हो गया, ऑक्स टंग हो गया, स्ट्यूज हो गए, वो भी आपको ही सारे के सारे बनाने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसके अंदर अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम कर ले तो आपको बहुत ज़्यादा ही मैं बोलूँ सीखने को मिलता है, और आप इस डिपार्टमेंट में हो तो आपकी प्रमोशंस भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो मैंने लगभग 4 साल इस डिपार्टमेंट में काम किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है हमारा बूचरी सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर जितने भी चिकन से रिलेटेड हो गया, बीफ, पोर्क और जितने भी बोन्स वगैरह होती है, सब कुछ यहीं पे कटती है, और फिर वो हर एक डिपार्टमेंट को सप्लाई की जाती है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे फिश का काम नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ मीट या चिकन या पोल्ट्री आप बोल दीजिए, उसकी ही कटिंग हो रही है, उसकी प्रिपरेशन हो रही है, स्टेक्स यहाँ पे बनते हैं,
स्टब चिकन ब्रेस्ट यहाँ पे बनाई जाती है, आपको थाई काट के दी जाती है, बीफ के बड़े बड़े पीसेज आते हैं, फिले आते हैं, उन सबको क्लीन करके आपको जो भी आपका मेन्यू उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है सूप सेक्शन। सूप का भी एक कंप्लीट सेपरेट सेक्शन बनाया जाता है, यहाँ पे भी दो या तीन लोग काम करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है आपके शिप की। और यहाँ पे भी काफ़ी सारा काम होता है क्योंकि सारे का सारा जो मीज़ा प्लस है सब कुछ आपको ही करना पड़ता है, सारी की सारी प्रिपरेशन, कुकिंग, और इवन जब लाइन्स चलती है तो आपको ही वो पोर करने होते हैं कप्स के अंदर ताकि वेटर उसको लेके जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है हमारा पेंट्री। पेंट्री के अंदर जितने भी कोल्ड एपिटाइज़र होते हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर होते हैं, जो आला काट की लाइन चलती है जितने भी एपिटाइज़र्स होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट दो उस पर ऑप्शन दिए जाते हैं, वो आपके यहीं से जाते हैं। जितने भी फ्रूट बास्केट पूरे शिप में लगती है वो भी यहीं से दी जाती है, कहीं कहीं पे बुफे से भी दी जाती है, वो डिपेंड करता है उस शेफ़ ने कहां से इसको कराया। इसके अलावा जो भी आपके चीज़ प्लेटर होते हैं वो यहीं से दिए जाते हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारा काम होता है, यहाँ पे भी आप बोल दीजिए ढेर सारा काम होता है। अगर मान लीजिए कोई इस डिपार्टमेंट में आ गया और उसको लेट्यूस काटने का काम मिल गया तो वो दिन भर रात भर लेट्यूस ही काटेगा, या यहाँ पे अगर फ्रूट कटिंग का आपको काम मिल गया तो आप दिन भर रात भर फ्रूट ही काटते रह जाओगे। चलिए नहीं, इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है वो आता है हमारा बुफे। बुफे एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कि सारा का सारा कोल्ड का जो भी काम होता है। इसके अंदर एक और डिपार्टमेंट आता है जिसको कि कार्विंग डिपार्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे जो बुफे में कार्विंग लगती है, बुफे जैसे लंच बुफे लगता है, डिनर बुफे लगता है, जो भी आइस कार्विंग हो रही है, वेजिटेबल कार्विंग हो रही है, सब इनका ही काम होता है। और पूरे के पूरे बुफे के अंदर जो भी सेटअप्स होते हैं तो यहाँ से पूरे के पूरे इनके डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, पूरे बुफे का सेटअप, कहीं पे फूल लगाना है, कहीं पे फ्रूट्स लगाने हैं, कहीं पे चॉकलेट की कार्विंग लगानी है, जो भी कुछ हो सारा का सारा यही करते हैं। इसके अलावा शिप के अंदर अलग अलग प्रकार के बुफे होते हैं, कभी ट्रॉपिकल बुफे होगा, कभी आपका चॉकलेट बुफे होगा, या गाला नाइट होगी, तो ये सारे के सारे प्रिपरेशन जो भी होती है इनकी ही होती है। बुफे के अंदर जितना भी सलाद जा रहा है, जैसे होटल के अंदर हमारे बुफे लगते हैं तो वहाँ पे तो गारमंजर से दिया जाता है, तो यहाँ पे उसको गारमंजर या बुफे डिपार्टमेंट बोलते हैं वहाँ से दिया जाता है। जहाँ पे भी बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा बोले तो बहुत सारा यहाँ पे काम होता है, वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा पर आपका काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला शिप के अंदर जी। इसके बाद एक और डिपार्टमेंट आता है जिसको कि हम लोग कॉफ़ी सेक्शन या कॉफ़ी मैन बोलते हैं। एक सिंगल बंदा या दो लोग होते हैं जो कि बुफे में जो कि सारी की सारी गार्निश प्रिपेयर करते हैं, ये बुफे के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये जो भी आला काट की गार्निश होती है उसको प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो पार्सले हो गया, लेमन के स्लाइसेस हो गया, इसके अलावा जो भी पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होता है, जो या आप इस बंदे को या जो भी इसमें काम करता है उसको बोल सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ के लिए काम करता है, सारे के सारे स्टोर्स को लेके आना, गार्निश प्रिपेयर करना, वो सारा का सारा काम उसका ही होता है, कॉफ़ी प्रिपेयर करना भी उसका काम यहाँ पे आता है, तो उसको कॉफ़ी मैन या उसको कहीं कहीं पे हम लोग रनर भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे बेकरी और एक जो पेस्ट्री सेक्शन होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। पेस्ट्री शेफ़ इनका इंचार्ज होता है, और जो बेकरी का शेफ़ होता है वो पेस्ट्री शेफ़ के अंडर काम करता है, तो ये भी एक अलग ही डिपार्टमेंट हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे तापस अलग रेस्टोरेंट होता है, बुफे की टीम अलग हो जाती है, तो और वहाँ पे काम करने वाले जो बंदे होते हैं उनका वो रनर होते हैं, कुछ उसमें से जो सीनियर होते हैं वो खाना लेके आते हैं, खाना अपना बुफे में लगाते हैं, जिस प्रकार से हमारे इंडिया के होटल में होता है सेम उसी प्रकार से वहां होता है। तो ये सारे सेक्शंस आते हैं हमारे शिप के अंदर, तो आप चूज कर लीजिएगा कि आपको पोटैटो में काम करना है, फिश में काम करना है, सूप में काम करना है, और जाके अपने शेफ से बोल सकते हैं सर मुझे ये काम थोड़ा अच्छा आता है, मुझे यहाँ पे आप रख दीजिए या मुझे यहाँ पे काम करने का मौका दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप थोड़ा सा अब चूजी हो जाएंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना है। बाकी मैंने खुद सॉस सेक्शन में काम किया था तो बड़ा मजा आया, आप लोग भी जाके ट्राई कीजिएगा, या जिसने पहले कभी सॉस सेक्शन में काम किया है उससे पूछिएगा कि कितना सारा काम होता है। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, वीडियो के नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।